हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो ये मैंने क्लिप डाला जी न्यू ईयर नाइट का। तो हम लोग कहीं नहीं गए थे और उसके बाद सुबह से हम लोग दूसरा लिफ्ट में बंद हो गए। तो जी आज की स्टोरी ये है कि हम लोग न्यू ईयर यानी कि 1 जनवरी को हम लोग गए, कुछ चीज़ें चेंज करवानी थी शाहजैन और ईशल की। इनके पापा लेके आए थे तो छोटी मोटी थी, वो चेंज करवानी थी। हम वहाँ गए तो रास्ते में एक शॉप दिखी हमें फर्नीचर की, तो हम वहाँ चले गए। तो यहाँ पे हमने फर्नीचर देखा और मुझे ये बेड भी पसंद आया था, दूसरे वाला भी पसंद है। दूसरे वाला बिल्कुल नीट क्लीन था। तो यहाँ पे हम लोग तो वैसे ही गुजर रहे थे लेकिन पसंद आया तो हमने बात कर ली, और बात कर ली तो हमारा मतलब डील हो गई, सौदा बन गया। तो एनी टाइम इन्होंने बोला कि नहीं अभी ये फर्नीचर उठाएं, हमारा दूसरा सुबह फर्नीचर आना है। तो इस वजह से हम लोगों ने इनको यहाँ पे पेमेंट की और उसके बाद हम लोग बस घर आ गए जल्दी जल्दी में। देखें बाहर भी रात हो रही है और घर में आए और घर में आके कमरा क्लीन किया। तो जी बस घर में आती फौरन मैंने बच्चों को लगाया और कमरा बिल्कुल खाली करवाया ताकि हम फर्नीचर रख सकें। तो बस हम लोग आगे आए और पीछे पीछे हमारे गाड़ी वाले थे, मतलब फर्नीचर लेके आ रहे थे। तो यहाँ पे आके बस मैंने जल्दी जल्दी बच्चों से सफाई करवाई, ये कमरा बिल्कुल क्लीन किया। तो अभी देखो यहाँ पे कैसा फर्नीचर की सेटिंग होती है, तो फिर देखेंगे। चलो ईशल यहाँ से मुझे झाड़ू तो मैं लगाऊँ, ये उठाओ सारी चीज़ें, फ्रिज कर धुआ वो सूच साइड में करो। वहाँ हो गए ना, कहाँ रखा तुम लोगों ने? आपने कचरा उठाया ना, यहाँ नहीं है। जल्दी लाओ, देखो गाड़ी आ गई है। हाँ दुआ झाड़ू लेके आओ। देखो किचन की ये हालत है और कमरे में। अच्छा इधर दो, आपने जल्दी से ये कचरा उठाओ, हटो सर। ईशा प्लीज ना, ये देखो कितना गंद हो गया। लो यहाँ पे ना बस बच्चों को मैंने अपने साथ बिजी किया हुआ था और इनसे थोड़ा बहुत काम करवा रही थी और सांस इतनी फूली हुई थी कि सीढ़ियाँ चढ़ी फौरन और नीचे पीछे पीछे हमारी गाड़ी भी आ गई थी ऑलमोस्ट। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी कमरा क्लीन करवाया और नीचे गाड़ी आ गई थी। इसके पापा ईशल के पापा नीचे गए थे और उसके बाद बस यहाँ से मैं सफाई कर रही हूँ। हमें ख़ुद भी ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी जल्दी ये होगा और हमारा कोई इरादा भी नहीं था। तो बस नया साल का इतना बड़ा गिफ्ट मिला, मैंने सोचा नहीं था, तो बस अचानक से हुआ। और हम तो सिर्फ गुजर रहे थे, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम फर्नीचर अभी लेंगे या नहीं लेंगे। वैसे घर तो यही हमने अभी रखना है क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया, क्योंकि हमारी मर्ज़ी का घर हमें नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे फर्नीचर आना स्टार्ट हो गया। ये अलमारी है, मैंने साथ साथ थोड़ी थोड़ी वीडियो रिकॉर्ड की है। अभी पीछे आप देख रहे हैं कितनी मेरी सांस फूल रही थी, तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पर फर्नीचर आना स्टार्ट हो गया था, तो वो भी मैंने थोड़ी थोड़ी रिकॉर्ड कर ली। तो आगे देखें इंशाल्लाह कैसी सेटिंग होती है रूम की, क्या बनता है वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ और फाइनल लुक भी साथ साथ दिखाऊंगी। तो फाइनली मैंने ये वाला फर्नीचर लिया क्योंकि ये बिल्कुल न्यू था और वो दूसरा वाला थोड़ा टूटा फूटा था। उठाना भी तो मुश्किल है ना बार बार। हाँ ये तो है। और ना ये हमारा फर्नीचर आ रहा है और यहाँ पे कोई शादी वादी हो रही तो बस अभी बेड आ जाए तो कुछ समझ आएगी कि किधर रखें बेड। यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं क्या करूँ अब। ये देखें इसके ऊपर आ रही है लाइट और यहाँ पे बेड, लेट्स सी क्या होता है। जान यार वहीं सामने दीवार पे अभी बेड रखा है।
वाह बोल रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। मैं बेटी को देखो कॉकली, ही सो हैप्पी। जादू जादू देखे क्या कह रहे हैं, जादू जादू। हटो बेटा, तो यहाँ पे बस मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि जहाँ अलमारी रखी थी तो देखे कमरे में अंधेरा हो रहा, लाइट नहीं आ रही थी। तो फाइनली जब सारा फर्नीचर आ गया था तो उसके बाद जो है ना, मैंने बेड जहाँ अभी अलमारी आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे मैंने लाइट के नीचे बेड रखवाया है, और यहाँ जहाँ बेड पड़ा हुआ है वहाँ पे मैंने अलमारी सेट करवाई है। तो बस ये साथ साथ बच्चों की मस्तियाँ भी चल रही थी, इतनी थकन हो गई थी बहुत ज़्यादा। एक तो मार्केट में घूमे, उसके बाद जो है ना ये फर्नीचर का पड़ गया, और आती फ्रिज वगैरह भी साइड में किया सब कुछ। तो यहाँ पे ये लेके आए हैं बेड, और ये हमारा घर जो है ना 5th फ्लोर पे है, और सीढ़ियाँ लिफ्ट भी नहीं है, तो इतनी मुश्किल हुई, बेचारों की सांसें फूल रही थी। ये बेड यहाँ पे रखें तो ये दरवाजे खुल जाएंगे, है ना? पानी इस साइड हम लोग की साइड कहाँ पे? इधर देखें, जान आप समझ नहीं रहे कलर की वजह से। हाँ, ये जो कलर है ना, इस पे ये बेड खुलेगा नहीं, मतलब खिल के नहीं आएगा। वो कलर है ना, हाँ ये लाइट कलर है, वो डार्क है। अच्छा लगेगा उस पे? उस पे भी अच्छा लगेगा। तो फिर उधर ही रखवा दे। चाय? अच्छा हाँ, आप तो चाय पिलाती हूँ। शुक्र है हमारा ड्रेसिंग आ गया, कब से हमारे शौक है ना ईशन। शादी नो, लीव इट, चलो हट जाओ, बस अब रखा रहेगा, देखते रहना। चल बस कर दो, को खुदा का खौफ करो बेटा। घुमा दिए ना आपने? नहीं है, किधर है? वही शॉपर में, वरना उसने रोशनी बंद कर दी। ये जो बाहर निकला हुआ है इसका डिजाइन ऐसा है। हाँ वो मुझे पता है। ये हो रहा नहीं, क्या समझे आपने मुझे? यहाँ पे बस शॉप वाले आए थे, वो फर्नीचर सेट कर रहे थे, और बेचारों ने सर पकड़ लिया था। इतना मेरे बच्चों ने तंग किया इनको, वो देखें अभी भी भगा रहे।
और जो है ना कभी ये खोलो कभी वो खोलो और हर चीज़ में पंगा। तो अंकल बेचारे तंग आ गए थे। तो यहाँ पे फर्नीचर सेट कर रहे हैं और अभी आप लोग बस देखने वाले हैं फाइनल लुक। अभी बस इसके बाद ड्रेसिंग सेट होगा और यहाँ पे हस्बैंड जो है ना अलमारियाँ खोल खाल के चेक कर रहे हैं कि हाँ मतलब सबकी कीज आई हैं या नहीं आई हैं, और उनको लॉक किया हुआ था तो वो भी सब कट किए और यानी कि रिबिन कट कर रहे थे न्यू अलमारी का। तो बस यहाँ पे कुछ इस तरह से अलमारी है, ये सेट हो गई थी और उसके बाद बेड सेट किया उन्होंने और अब है ड्रेसिंग की बारी। तो ड्रेसिंग सेट करके और फिर गद्दा लगा के मैट्रेस लगा के तो फिर आप लोगों को पता चलेगा कि ये कैसा लग रहा है। और कैसा लग रहा है आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। कमरे नीचे फटे नहीं आएंगे ये जी हमने यहाँ पे रखा है बेड। हाँ हाँ यहाँ पे हमने एसी वाली दीवार में रखा है बेड और ये बच्चे शुरू हो गए खेलने के लिए। और बेड के बिल्कुल टांगों के साइड मैंने रखी है अलमारी रखवाई है क्योंकि ये चार खानों की है तो फिर इसको जगह नहीं मिल रही थी। ये साइड टेबल है और यहाँ से कुछ ऐसा लुक है। और ये है जी इसका ड्रेसिंग टेबल। ये ईशल की बस पंगेबाजी शुरू है ना, है इसका ड्रेसिंग टेबल। और माशाल्लाह से मुझे तो बहुत पसंद आया, आप लोगों को कैसा है कैसा लगा ये भी बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। अब मैं बैठूंगी। तो आज का हमारा ब्लॉग यहीं तक था, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी इसको मैं डेकोरेट करके इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में दिखाऊंगी। तो जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।